वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। एक गोली से शुरू हुए विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ, इसे लेकर आपने निश्चित ही कई रिपोर्ट देखी होंगी। जानकार बताते हैं कि पहले विश्व युद्ध से हुए नुकसान का सटीक आंकड़ा कोई नहीं जानता। फाइलों में दर्ज आंकड़ों को अनुमान के तौर पर ही देखा जाना चाहिए, क्योंकि असल आंकड़ा तो उससे कहीं ज्यादा है। आज हम आपको पहले विश्व युद्ध के दौरान हुए नुकसान और इस दौरान इस्तेमाल में लाए गए हथियारों के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले समझते हैं पहला विश्व युद्ध क्यों हुआ और किन किन देशों के बीच में हुआ। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच 1914 से पहले ही दो युद्ध हो चुके थे। हालांकि 1914 में जब ऑस्ट्रिया हंगरी के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड की हत्या हुई तो हालात बिगड़ गए और यूरोप में दो धड़े बन गए। देखते ही देखते कई देश इसका हिस्सा बन गए। इनका नाम था एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स। एलाइड पावर्स में सहयोगी शक्तियां थी, जिनमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रूसी साम्राज्य, सर्बिया और बेल्जियम शामिल थे। वहीं सेंट्रल पावर्स यानी केंद्रीय शक्तियों में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। हालांकि बाद में इनमें कई अन्य देश जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, तुर्की, बुल्गारिया समेत अन्य देश भी जुड़े। इतिहास में दर्ज इस भयानक युद्ध ने कई बेगुनाहों की मौत को देखा। 1914 में शुरू हुआ ये युद्ध 1918 तक चला, जो 4 साल से भी ज्यादा था। इतने लंबे वक्त तक टिके रहने और युद्ध करते रहने के लिए भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत पड़ी। 1914 तक जहां जिस संख्या में हथियारों को बनाया जा रहा था, उसमें 1914 के बाद तक बड़े स्तर पर वृद्धि हुई। पहले विश्व युद्ध में कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ। यूनाइटेड किंगडम युद्ध के दौरान रक्षा क्षेत्र में सबसे संपन्न देश माना जाता था। आंकड़ों की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम ने पहली बार युद्ध में टैंक्स को उतारा, जिन्हें तब लैंडशिप कहा जाता था। 1916 में इन टैंक्स की संख्या जहां 150 थी, वो 1918 आते आते 1350 हो गई। वहीं जर्मनी ने इस दौरान केवल 20 टैंक्स ही बनाए। वहीं पहले विश्व युद्ध के दौरान एयरक्राफ्ट्स का भी खूब इस्तेमाल हुआ। 1914 में ब्रिटेन ने 245 एयरक्राफ्ट्स बनाए, जो 1918 तक 32,000 हो गए। वहीं 1914 से 1918 तक फ्रांस और जर्मनी ने 50,000 एयरक्राफ्ट्स बनाए थे। 1914 तक तकनीक यूरोप का जरूरी हिस्सा बन चुका था। 1914 तक यूरोप में जबरदस्त बदलाव हुए। आर्थिक तौर पर कई देश मजबूत हो चुके थे। हालांकि इस युद्ध ने कई देशों से उनकी संपन्नता को छीन लिया। इस युद्ध में हुए नुकसान का जिक्र करें तो फाइलों में दर्ज आंकड़ों के मुताबिक लगभग 10 मिलियन सैनिक मारे गए और लगभग 21 मिलियन घायल हुए। युद्ध के दौरान लोगों में कई तरह की बीमारी भी फैली, जिससे 25 मिलियन लोग मारे गए। अकेले अमेरिका में कुल 116,516 मौतें हुई थी। इस युद्ध से 4 साम्राज्यों का पतन हुआ। 1917 में रूसी साम्राज्य, 1918 में जर्मन और ऑस्ट्रिया हंगरी और 1922 में ऑटोमन साम्राज्य का अंत हो गया। अधिकांश अरब भूमि जो तुर्क साम्राज्य का हिस्सा थी, वो अब तक ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में आ चुकी थी। इस युद्ध से रूस और जर्मनी जैसे संपन्न देशों में भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। लिहाजा शांति समझौते के तहत जर्मनी को $33 अरब की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा और युद्ध के लिए उसे जिम्मेदार माना गया। कैसी लगी हमारी ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।